कमर तोड़ बारिश ने सूरत बिगाड़ी। स्मार्ट सिटी की तस्वीरें हाहाकारी। डायमंड सिटी पर पानी का प्रहार। एक चमकते शहर का बुरा हाल। सूरत दुनिया भर में अपने शानदार डायमंड कटिंग के लिए मशहूर है, लेकिन इस वक्त यह शाइनिंग और स्मार्ट सिटी दुनिया से कटा हुआ दिख रहा है। बारिश से सूरत का सूरत ए हाल देख लीजिए। गुजरात में कुदरती आपदा ने तबाही और बर्बादी की गाथा लिख दी है। न्यूज नेशन देश का पहला चैनल है जो इस हालात की दास्तां आंखों देखी बताने के लिए गुजरात में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सोसाइटी के रास्ते में पानी भरा है, मॉल के सामने पानी भरा है, रोड पे पानी भरा है और हर जगह आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। सूरत के कई इलाकों में वीआईपी रोड का ये हाल है। न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर हर वो इंसान जो गुजरात में इस त्रासदी से फंसा हुआ है उसके पास हम जाएंगे और दिखाएंगे आपको यहाँ की रियल तस्वीर ग्राउंड जीरो पर उतर कर। सूरत सैलाबी समंदर से घिरा हुआ है। पिछले तीन दिनों के दौरान ताबड़तोड़ बारिश के बाद शहर के आम और खास इलाकों में फर्क मिट चुका है। वीआईपी इलाकों पर बारिश के पानी ने हमला कर दिया है। दरअसल 24 घंटे के दौरान सूरत में करीब 10 इंच बारिश हुई है और उसका नतीजा देख लीजिए। ये तस्वीर महावीर यूनिवर्सिटी के पास इलाके की है, लेकिन इस समय यहाँ हर तरफ पानी का कब्जा है। सूरत की सेकेंड वीआईपी रोड का क्या हाल है, तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। इस समय जिस तरह से लगातार सूरत में बारिश हो रही है, 5 दिन का अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन आप देखिए महाश्रम का ये पूरा पंडाल देखिए, आपको पूरा डूबा हुआ नजर आएगा। समरस जो यहाँ पर मौजूद है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। वहां पे आप गाड़ियां देख सकते हैं, पूरी डूबी हुई है। जिनकी भी गाड़ियां हैं उनका बहुत नुकसान हो चुका है। बड़ी संख्या में यहाँ जो लोग आते हैं वो यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से सामान को सर पे रख करके निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कैसे वो चलने के लिए इस तरह से मजबूर है। कंधे तक कई इलाकों में पानी है, तो यहाँ पर रोड पे मेन रोड पर आपको करीब करीब कमर तक पानी आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ लोग देखिए यहाँ से भगवान महावीर यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी पानी कितना पहुंच गया है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कितनी संख्या में लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं। सूरत का ये इलाका है और सूरत का वीआईपी सेकंड रोड है। ये वीआईपी सेकंड रोड पर किस तरह के हालात है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या गाड़ी वाड़ी डूब गया है? थोड़ा सा इधर हो जाइए, आप लोग से बात करते हैं। ये अंदर भी पानी पहुंच गया है क्या? अंदर पूरा खराब हो गया, सब अभी बनाया हुआ था सब। अच्छा, तो ये भगवान महावीर यूनिवर्सिटी में ही पानी है? हाँ, सामने देखो ना, सामने दिख रहा है। अच्छा, ये कब से हुआ है? ये 3 दिन से चल रहा है, 3 दिन से पूरा वीआईपी 3 दिन से यही आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे एक गाड़ी और डूबी हुई है, बिल्कुल पास में आपको एक गाड़ी दिखा रहे हैं। ये आप देखिए गाड़ी डूबी हुई है, ये तस्वीरों में आप देखिए गाड़ी जो डूबी हुई है, पानी बिल्कुल एकदम भर चुका है। यहाँ पर निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आज तो गाड़ियाँ कम है, सब लोग ने हटा ली, लेकिन एक्चुअल जब संडे को बारिश आई थी तब ढेर सारी गाड़ी यहाँ पे थी, कैसे भी बिखरी हुई थी। अभी भी एक गाड़ी वहाँ पे ऐसे ही गिरी हुई है, किसकी आए पता नहीं हमको। देखिए आप गाड़ियों का एक कतार लगा हुआ है, यहाँ पर गाड़ियाँ डूबी हुई है, पीछे यूनिवर्सिटी डूबी हुई है। तो ये पानी अभी रुकने वाला नहीं है, पानी अभी और बरसेगा और पानी जिस तरह से बरसता जा रहा है, पानी जिस तरह से लगातार बरस रहा है उससे ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अभी और पानी इस जगह पे भर सकता है। ऐसे में क्या व्यवस्था की गई है, देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो इनके पास रुक करके बातचीत करने के कोशिश करेंगे। सत्संग में ये लोग आए थे। सूरत की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात है, गाड़ियां पानी में डूबी हुई है, एक एक कदम उठाना भारी पड़ रहा है। पूरा शहर टापू में तब्दील हो चुका है। बिल्डिंग इस तरह दिख रही है मानो पानी में तैर रही हो। स्मार्ट सिटी सूरत का क्या हाल हो चुका है तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये वीआईपी रोड के पास की रोड है जो बड़ी बड़ी इमारतों से, आप देखिए चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देंगी और इन इमारतों के बीच जो बहुत खूबसूरत रोड बनाई गई वो दरअसल जो है वो इस तरह से पानी में डूबी हुई है। आप देखिए ये शख्स हैं जो हमारे साथ इस समय रोड पार करते हुए जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं और कितना पानी भरा हुआ है अंदर? अभी यहाँ तक तो पानी है। सूरत में हम कहाँ पर हैं इस समय? वेसु एरिया। अच्छा, वीआईपी रोड। हाँ,
तो ऐसे ही जाना पड़ रहा है बच्चों को लेकर के? हाँ, बच्चों के लेकर ले। तो गाड़ी से नहीं जा सकते, साइकिल से नहीं जा सकते? ना, कहाँ से जाएंगे, बच्चा गिर जाएगा। बच्चा गिर जाएगा तो क्या, कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अभी दवाखाने जा रहा हूँ। कब से ये पानी, कब से है? थोड़ा सा 3 दिन हो गया। 3 दिन से? 3 दिन से। तो ये पानी निकालने का कोई व्यवस्था नहीं हुआ? ना ना, कोई म्युनिसिपैलिटी वाला कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है। कई दिनों से बारिश हो रही है यहाँ सूरत में, तो क्या पूरा इलाका ये जल जमाव यहाँ पर हो जाता है? हर साल की कहानी है या इस बार ज्यादा हुआ? हर साल की व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। फिलहाल जो है 3 दिन से यही हालत है, पोजीशन जिस हिसाब से वही है अभी तक। सुबह पानी उतर जाता है तो शाम को चढ़ता है, शाम को उतरता है तो सुबह चढ़ता है, हमें पता नहीं चलता है ऑफिस कब जाए, घर कब आए। अब आपको दिखाते हैं ये मॉल, जरा ये मॉल देखिए आप, ये एक बिजनेस हब है, ये इफ्रा बिजनेस हब है, ओफ्रा बिजनेस हब है। ओफ्रा बिजनेस हब के ठीक नीचे आप देखिए, ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर ये बिजनेस हब तहर रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। घरों में पानी भरा हुआ है क्या? नहीं, घरों में पानी नहीं भरा है, सोसाइटी तक पानी चला गया है। सोसाइटी तक भरा गया, सोसाइटी थोड़ी सी ऊंचाई पे होती है। यहाँ पे दूध ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, हम सुबह 6 बजे से जा रहे हैं, 2 किलोमीटर दूर गए चल के, वहाँ जाके दूध की ठेली हम कमरे कंधे पे उठा के लाए यहाँ पे। तो मतलब देखिए, यहाँ पर मेन रोड पर इतना पानी है, ये देखिए आप, मेन रोड पर इतना पानी है। सूरत की सोसाइटी वाले हिस्से में रहने वाले लोगों की तकलीफें बढ़ गई है, रोजमर्रा की जिंदगी चलानी मुश्किल हो गई है, जरूरी सामान के लिए बाहर निकलना मुहाल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है, जाहिर है आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। झुग्गी झोपड़ी क्या, बड़े बड़े फ्लैटों में रहने वाले लोग भी पानी में डूबे हुए हैं। खास तौर पे यहाँ पर जो जीविका है किस तरह से चल रही है, लोग अपना गुजारा किस तरह से चल रहे हैं। एक मैम है, उनके पास से मैम बातचीत करेंगे, क्या लेके आ रही है वो आप देखिए। कुछ इस तरह से चावल है और कुछ ठंडा पानी है और ये तमाम चीजें लेके आनी पड़ रही है। और ये सोसाइटी में रहती है, ये जरा पीछे सोसाइटी पहले देखिए, ये सोसाइटी है, बड़ी सी सोसाइटी है, उसमें रहती है और इस तरह से जीवन जीना पड़ रहा है पिछले 3 दिनों से, कुछ यही तरह का 48 घंटे से ज्यादा हो चुका है। नाम क्या है आपका मैम? रिद्धि। रिद्धि, आप थोड़ा आगे आ जाइए, ये बताइए कहाँ रहती हैं आप? यहीं सुमन बारगाँव में। ये पीछे जो सोसाइटी? हाँ, वही। ये कितने दिन से इस तरह का हाल है? 3 दिन से पानी भरा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, कैसे आप लोग रोज अपना समय इस तरह से काट रहे 3 दिन से? अगर कुछ भी लेने जाने में तो तकलीफ पड़ती है, प्रॉब्लम आती है, सामान वगैरह कुछ लेना पड़े तो फिर ऐसा दूध तो मिल ही नहीं रहा है 3 दिन से, यही दूध भी नहीं मिल पा रहा है, दूध भी नहीं मिल, बच्चे स्कूल। इलेक्ट्रिसिटी भी चल रही है, बंद है, कभी आती है कभी जाती है, ऐसा चलता रहता है। अच्छा, आपको कितनी परेशानी हो रही है इस तरह से, दिक्कत हो रही है? हमको इतनी परेशानी है, 3 दिन से ये पानी नीचे नहीं उतर रहा है और ये मोदी आवास सुमन भार्गव और ये आवास और VIP रोड, हम ये सोच रहे हैं ये VIP रोड है या खाड़ी रोड है, वो समझ में नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं VIP रोड है या खाड़ी रोड है। बच्चे भी देखे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो अभी तक स्कूल नहीं जा पा रहे। बेटा, स्कूल जा पा रहे हो? नहीं जा पा रहे, 3 दिन से नहीं जा पा रहे हम। 3 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे? नहीं। अच्छा, तो पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है? आपके बच्चे हैं? हाँ, ये मेरी बेटी है। तो यहाँ से बच्चों को ले जाने में दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है, वो स्कूल गई ही नहीं है सोमवार से। तो आप क्या कहना चाहती हैं, सरकार से क्या कहना चाहती हैं? इस जगह तो कम से कम निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, पानी भी, हम भी जॉब पर नहीं जा सकते 3 दिन से, हम भी नहीं, घर पे ही है। जॉब पर है तो पैसा कट रहा है या? कट रहा है, पैसा कट रहा है 3 दिन से घर पे, तो पैसा कट रहा है। ये सभी लोग जो है, जैसे ही इन्होंने कैमरा देखा करीब आ गए और इन्होंने अपनी बात रखी है, एक मैसेज देने की कोशिश कि देखिए इतने पानी में कैसे जिंदगी जी जाएगी। यही हाल कमोबेश तमाम सूरत के अलग अलग इलाकों का है। सूरत के हालात वाकई बिगड़ चुके हैं, अस्पताल तक जाने में भी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। बेबसी की इस तस्वीर को देखिए, बच्चा बीमार है और माता पिता बच्चे को कंधे पर रखकर पानी से जूझते हुए अस्पताल जाने को मजबूर है। छोटे से बच्चे को लेकर के आ रहे हैं, किस तरह से लेके आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ से आ रहे हैं? बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, अस्पताल में लेके जा रहे हैं। एम्बुलेंस नहीं आ पा रही? एम्बुलेंस भी नहीं आ पा रही है। छोटा सा बच्चा है, क्या हुआ इसको? इसको बुखार आ गया, और बुखार और ठंडी आ रहा है, बुखार और ठंडी आ गया है। तो आप देखिए, कोई एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं आ पा रही है, बच्चे को लेके जाने की यही अब तरीका हो रह गया है कि अस्पताल अगर ले जाना है कुछ ऐसे ही ले जाना है। नाम क्या है आपका, कहाँ से आ रही है मैम? यह सुमन भार्गव।
सोमन भार्गव सोसाइटी जो पानी के पानी में आ गया हुआ है, पूरा भरा हुआ है। अच्छा, तो अब देखिए आप लोग जाइए क्योंकि बच्चे को अस्पताल में दिखा रहा है, छोटा सा बच्चा है। देखिए किस तरह से इनको अस्पताल ले जा रहे हैं लोग। इस तरह की सिचुएशन गुजरात के कई इलाकों में आ चुकी है, लेकिन ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि सूरत के अंदर ये हालत होगी। सूरत के अंदर क्या हालत हो गई है ये तस्वीरों में आप देखिए। इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज, हाई राइज सोसाइटीज के नीचे मेन रोड के ऊपर, दरअसल मेन रोड है ये, और मेन रोड जो वीआईपी रोड, यहाँ से अगर एयरपोर्ट की बात करें तो केवल 4 किलोमीटर एयरपोर्ट है यहाँ से, और 4-5 किलोमीटर के दायरे में कितना पानी आ चुका है निकालने की कोई अभी तक व्यवस्था इस पूरे इलाके में हमने नहीं देखी है। लेकिन न्यूज नेशन यहाँ पहुंचा हुआ है। कोई और चैनल आया आप लोग की बात करने? नहीं, कोई नहीं आया। साइकिल किस तरह से लेके जा रहे हैं शख्स, ये आप देखिए किस तरह से मोटरसाइकिल को लेके जा रहे हैं, कितना पानी भर गया है, पहिए तक पानी आ चुका है। और ये कब, कितनी देर की बारिश हुई है जो ये पानी इतना भर गया? रात से बारिश चालू है। रात से बारिश है। पानी पीने का पानी कैसे जा रहा है ये आप तस्वीरों में देखिए। वहाँ पानी पीने का जो जा रहा है वो किस तरह से जा रहा है ये तस्वीरों में देखिए। ये सोसाइटी का रास्ता है। गुजरात में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के करीब 12 शहरों पर इस आफत की मार पड़ सकती है। इन शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में इस समय चारों तरफ बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। इस समय हम सूरत में पहुंच चुके हैं। स्मार्ट सिटी सूरत किस तरह से डूब चुकी है ये तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं। 5 दिन का अलर्ट भी सूरत में जारी किया गया है। कई इलाके, खासतौर पर सौराष्ट्र कच्छ के इलाकों में तेज बारिश और ज्यादा तेज बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगले 5 दिन अलर्ट पे हैं। लेकिन आप देखिए इस समय हम जहां पर मौजूद हैं, ये वीआईपी रोड है। इस वीआईपी रोड पर जल सैलाब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। लोगों को कुछ इसी तरीके से पैदल गुजरना पड़ रहा है, अपने घरों से आना पड़ रहा है। पानी का फ्लो काफी ज्यादा है, और ये जो पानी है, बीते 2 दिन से लगातार जो तेज बारिश हो रही है उसका नतीजा है। रोड पर पानी का जल भराव इतना ज्यादा हो चुका है कि लोगों को कुछ इसी तरह से जाना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? अजय। अजय भाई कहाँ जा रहे हैं अभी आप? यही साइड पे जा रहे हैं। पानी कितना है अंदर? बहुत पानी भरा, घुटने तक पानी भरा है। तो कब से बारिश हो रही है और कितना प्रभाव पड़ा है, इससे दिक्कत कितनी हो रही है? 4-5 दिनों से बारिश इधर हो रही है। 4-5 दिनों से बारिश हो रही है जी। तो ये पूरा भरा हुआ है अंदर पानी? अंदर पूरा पानी उधर तक। ये तो वीआईपी रोड है। हाँ, श्याम मंदिर तक पानी वहाँ तक भी लगा उधर। अच्छा, तो सोचिए जरा, ये वीआईपी रोड है, वीआईपी रोड का ये हाल है। आप लोग कहाँ रहते हैं? ये आगे सुमन भार्गव में रहते हैं। हमारा रविवार से शाम से पानी है। यहाँ ना तंत्र देखने आए ना कोई देखने आए, हम लोग अपने आप ही आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ियाँ है वो रख के पैदल ही आना पड़ता है। नहीं कुछ यहाँ पे दूध की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना है कि कोई अंदर आ ही नहीं सकता। तंत्र अभी तक यहाँ पे कोई आया नहीं। कितना पानी होगा? घुटने तक पानी है? घुटने से ऊपर है, कमर तक पानी है। पानी है पूरा। देखिए ये सूरत का हाल है, ये स्मार्ट सिटी सूरत है। और सूरत में आप ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, और ये ओवरफ्लो हो चुका है। सीवर जो है ओवरफ्लो हो चुका है। रविवार से भरा हुआ है। तो कोई आया नहीं इस पूरे इलाके में? नहीं, ऐसा ही है। जनरेटर से पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है, वो ढक्कन भी कोई खोलने नहीं आया गटर का। गुजरात के सूरत से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। और चलिए अब आपको सूरत के मगोव लिए चलते हैं, जहां रिहायशी इलाके में 5 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। घरों की निचली मंजिल पानी में डूब चुकी है। देखिए हमारे सहयोगी सैयद आमिर की एक खास रिपोर्ट। सूरत के जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, दरअसल ये सूरत का वो इलाका है जो कि बड़ी संख्या में यहाँ पर रिहायशी इलाके में बड़ी संख्या में फ्लैट में लोग रहते हैं, और फ्लैट के कैसे डूब चुके हैं यहाँ पर तस्वीरों में आप पहले मुझे देखिए, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर कितना पानी है। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि आप सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़े तो आपके गले के ऊपर तक पानी जा सकता है। यानी कि पानी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरों में आप देखें ये पूरा इलाका डूब चुका है। थोड़ा सा रिहायशी इलाके हैं और फ्लैट चूंकि बने हुए हैं, इसलिए फर्स्ट फ्लोर पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरों में आप देखिए ये चारों तरफ आप फ्लैट ही फ्लैट आपको नज़र आ रहे हैं, और आगे देखेंगे
तो यहाँ पर जो पानी में लोग डूबे हुए हैं वो किस तरह से सामान लेकर के अपना जा रहे हैं ये तस्वीरों में आप देखिए, किस तरह से लोग अपने घरों तक पहुँच रहे हैं ये तस्वीरों में आप देखिए। नाम क्या है आपका, कहाँ जा रहे हैं? माधव भाई नाम है मेरा। हाँ, ये सामने जो रहते हैं हम लोग, मॉडल टाउन पार्क सोसाइटी का नाम है। हाँ, हमारे बहुत सारे लोग उसमें 3 दिन से फंसे हुए, 3 दिन से पानी भरा हुआ है। अच्छा, 3 दिन पहले यहाँ पे पानी भरना चालू हुआ था। अच्छा, ये एरिया पर्वतपाटिया पे मगोब मगोब नाम का एरिया है। हाँ, सिटी से एकदम सूरत से सारा दरवाजे से 2 किलोमीटर के नज़दीक में आता है। अच्छा, तो अभी पानी कम नहीं हो रहा है? पानी बढ़ रहा है, पानी कम नहीं हो रहा है। पानी कम नहीं हो रहा है तो ये थैला से दुगना पानी हो रहा है। थैला आप इसी तरीके से लेके जा रहे हैं? हाँ, जाना पड़ेगा, मेरे बीवी और बच्चे घर पे पड़े हुए हैं। अच्छा, बीवी और बच्चे घर पे हैं? घर पे हम। तो जरा सोचिए, इनके बीवी और बच्चे जो हैं घर पे हैं और इनको जा करके अपने बच्चों को केयर करना है। आपको, आप कैसे मतलब बाहर कैसे हैं और बीवी बच्चे घर पे कैसे हैं, क्या हुआ? रात को 2 बजे हम लोग को सब्जी मार्केट का मेरा बिजनेस है होलसेल का। हाँ, रात को 2 बजे हम लोग सब्जी मार्केट में जाते हैं। 2 बजे जब निकला तो पानी कम था। हाँ, उसके बाद में पानी का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वापस जाना मुमकिन नहीं हो रहा है। हाँ, और घर पे तो किसी हालत में मुझे जाना ही पड़ेगा। तो सामने जो दिख रहा है लैंडमार्क एम्पायर करके कंपनी है। हाँ, वहाँ पे सब ने सोसाइटी में पूरा पार्किंग में 2-3 दिन पहले गाड़ियाँ सब लगा दी थी। अच्छा, और जो काम पे गए वो काम पे फंसे हुए और जो घर पे है वो घर पे फंसे हुए। तो आप सुरक्षित जाइए क्योंकि बहुत खतरा है। आगे बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा गहरा है। हाँ जी, हाँ जी, सही है। गहरा है आगे? नहीं, गहरा नहीं, इतना ही गहरा है। इतना ही गहरा है, मतलब इतना भी काफी गहरा है। काफी गहरा है, बच्चे तो डूब सकते हैं इसमें। डूब सकते हैं, डूब सकते हैं, है ना? तो सुरक्षित जाइए। तो ये देखिए कैसे लोग जा रहे हैं अपने घर को, इस तरह से बैग का सामान काम पे गए थे और इस तरह से आप ये तस्वीरें न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। हमने ग्राउंड पे घुस करके अंदर जहां पर ये तकलीफें लोगों को हो रही हैं अपने घरों को जाने के लिए, किस तरह से यहां पर सहारा लेना पड़ रहा है। अभी तक यहां पर बोट नहीं है लेकिन बोट का इंतज़ार है, कुछ ट्रैक्टर फंसे हुए हैं। आप देखिए यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जो इस बिल्डिंग के अंदर हैं और यहां पर भी पानी है। क्या अंदर पानी है? पानी है अंदर? तो इन सोसाइटीज़ में भी लोग जो हैं फंसे हुए हैं। आप देखिए सामने कुछ लोग आ रहे हैं। पानी की शुरुआत अब हो चुकी है। न्यूज़ नेशन कैमरे के साथ, मोबाइल कैमरे के साथ अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप ये समझे कि कैसे आखिर ये पूरा इलाका जो है जलमग्न हो चुका है।